रेमर टाइमन, अच्छी तो रेमर टाइमन रिएक्शन जो है, इसमें सबसे पहली बात कि वे है फिनोल, फिनोल का रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हमें मिलता है CHCl2, ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है इट फर्दर रिएक्ट विद NaOH और जो CH ग्रुप्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय OH। ये क्या हो जाता है OH, और इस तरह से वाटर इज रिमूव, वाटर रिमूव हो जाता है तो वी गेट, बोलो क्या बोलेंगे इसको, जैसे जैसे वो था सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक यहाँ COH था, अब CHO है तो क्या बोलेंगे इसको, सैलिसिलिक है ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो यहीं पे अगर CCl4 की जगह क्लोरोफॉर्म, ये है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म की जगह अगर मैं यूज करूं CCl4, ठीक है। हाँ यहाँ पे ना ये पहले सोडियम पॉइंट मिलेगा, मैं पहले तो सोडियम सॉल्ट मिलेगा ना यहाँ NaOH, और सोडियम सॉल्ट मिलने के बाद हम लास्ट में एसिडिफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले सोडियम सैलिस सल्फेट मिलेगा और फिर सैलिसिलेट फाइंड वी विल गेट, यहीं पे अगर मैं क्लोरोफॉर्म यूज करता है, अगर क्लोरोफॉर्म यूज करता हूं तो एंड में आफ्टर एसिडिफिकेशन आई विल गेट सैलिसिलिक एसिड। इसमें भी सैलिसिलिक एसिड मिल सकता है बट क्या यूज करना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ओके, अब इसके मैकेनिज्म में जाते हैं क्योंकि रिमेटेमिटेशन का मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है एग्जाम, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, मतलब तुझे 101% तुझे क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, रिमेटेमिटेशन जी, ठीक है। बोर्ड में भी हो सकता है कि इससे नेम रिएक्शन आ जाए, ठीक है, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेमर डायमंड रिएक्शन, ठीक है। तो क्या इसमें करना पड़ेगा आपको, तो पहला स्टेप जो है इसमें क्या है, वी हैव अ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को हमने किया OH नेगेटिव से, क्लोरोफॉर्म को किससे किया, OH नेगेटिव। अगर OH नेगेटिव से करते हैं तो आपको देखिए ये तीनों क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो इस तरह से ये H से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अगर हाइड्रोजन बिकम एसिडिक, तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर इज रिमूव्ड और हमें मिल जाएगा ये, ठीक है, एनायन मिल जाए, और उसके बाद Cl नेगेटिव आयन रिमूव कर दो तो वी गेट डाइक्लोरो कार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन, ठीक है, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करता है, ठीक है, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट विल अटैक ऑन द रिंग,
सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो फिनोल किस फॉर्म में होगा, फिनोक्साइड, तो फिनोक्साइड की फॉर्म में होगा। अब इस पे करेगा अटैक डाइक्लोरोकार्बिन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर जो है, दैट शिफ्ट टुवर्ड्स कार्बन ऑक्सीजन का, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इससे अटैच हो जाए। तो ये जब अटैच होगा तो देखो ये डबल बॉन्ड जैसे रहेंगे, ये क्या बन जाएंगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। इसमें इस कार्बन पे क्या आएगा फिर, नेगेटिव, क्योंकि ये इसका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, रेदर इसका इलेक्ट्रॉन, इसका पूरा पेयर जो है ये आ गया इधर, ठीक है ना। तो इस तरह से अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा एच का रहेंगे, ये आएगा इधर, ये शिफ्ट होगा इधर, और एच एज अ पॉजिटिव आयन इस पे अटैच हो जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके करने से जो इसकी एरोमेटिसिटी है वो रीगेन हो गई, इसकी एरोमेटिसिटी वापस हमें मिल गई, ठीक है। अब इसको हम करते हैं फिर वापस NaOH से, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, ये NaOH ही लिख देता हूं पूरा, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि दो NaOH यूज हुए, दो NaCl निकल गए, ये O नेगेटिव मतलब सोडियम सॉल्ट है ना, ऐसे चाहे लिखना है तो लिख भी लो, ये सोडियम सॉल्ट होगा यहां, फिर ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, और ये OH लग जाएंगे दोनों। अब दो OH लग गए हैं तो वाटर निकल जाएगा यहां से, वाटर रिमूव हो जाएगा, एंड वी गेट CHO मिल जाएगा फिर, और फिर डाइल्यूट HCl से करेंगे, तो वी गेट सैलिसिलिक, ठीक है। यहीं पे अगर CCl4 होगा तो CCl3 अटैक करेगा, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो रेमन डेफिनेशन में ये क्वेश्चन याद करना है कि उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन, क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरोकार्बीन, तो कार्बीन जो है दैट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट।